पे मेरे हाथ कांप गए मैंने अपना पेन ऐसे टेबल पे रखा एंड आई वाज लाइक रक्षिता तेरा गया एक साल फिर से इतने ताने बढ़ गए इतने ताने बढ़ गए अब ऐसा हो गया था कि मैं किसी दोस्त तक से बात नहीं कर रही थी अच्छा यूट्यूब पे आके जान दूंगी अरे इसका चैनल तो बहुत बेकार है कभी जिंदगी में चले गए कुछ मुझे बोलते और बता तेरा धंधा कैसा चल रहा है बस अब मुझसे नहीं हो पाएगा पापा मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ मैं इस यूट्यूब को ना यूं कहीं -यू प्राइवेट कर दूँगी सारी वीडियोज़ हटा दूंगी मुझसे नहीं हो पाएगा मैं बनी नहीं उस चीज़ के पापा जो एक नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में है उनसे मैं अप्रॉक्सीमेटली नौ और दस गुना ज़्यादा अन कर रही हूँ उसी महीने में इक्कीस साल की

मेरे पापा जो थे वो हमेशा से चाहते थे कि पहला बच्चा लड़की ही पैदा हो तो जब मेरा जन्म हुआ पहला बच्चा मैं ही थी लड़की ही पैदा हुई उनको मेरे पापा ने बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन करनी स्टार्ट करी तो वहाँ पे जितनी भी औरतें वहां पर थी तो अगर कोई हरियाणा से यहाँ पर होगा या फिर सबको पता ही होता है कि हरियाणा में थोड़ा सा लड़कियों और लड़कों की रेशो जो होती है वो डिफरेंट होती है एंड थोड़ा सा वहाँ पे जेंडर डिफरेंस जो है वो किया जाता है सो so, कुछ पापा पापा के पास आई और पापा को आके बोला कि क्या खुश हो रहा है लड़की होने पर देख लेना किसी ना किसी दिन तेरे को बर्बाद जरूर करके जाएगी लेकिन उस दिन से लेके आज तक अगर मेरे साथ कोई खड़ा रहा है तो मेरे पापा रहे हैं पापा ने किसी की नहीं सुनी आज तक जो मैंने चाहा है पापा ने मुझे वो हमेशा दिया है मुझे घर में वो माहौल मिला है अब धीरे धीरे मेरी कहानी आगे बढ़ती है मेरी जर्नी जो है वो प्राइमरी स्कूल से स्टार्ट होती है तो गांव में रहते थे तो वहाँ पे हिंदी मीडियम स्कूल ही था वही हिंदी मीडियम स्कूल अगर कोई पढ़ा होगा तो वो जिसमें हम लोग नीचे फर्श पे बैठ के वो किया करते थे सर्दियों में उन पे ठंड लगती थी तो एक जो हम लोग की जीन्स है उसके नीचे एक और जीन्स पहन के चले जाते ताकि ठंड नहीं लगती तो इसी तरीके से जो कहानी है वो आगे बढ़ती है मेरे पापा का ट्रांसफर हो जाता है अब वहाँ पर हिंदी मीडियम स्कूल हमको मिला नहीं है पूरी

वहां पे अब आ, मैं सिर्फ छोटा सा बच्चा जिसको जाते ही बोल दिया गया है वो जैसे ही एक सोसाइटी में एक वर्ल्ड में एंट्री उसने ली जाते ही उसको बोल दिया कि तुझसे नहीं हो पाएगा मैंने अपना वहाँ पे दो महीने मेरे पास बचे हुए थे मेरी मम्मा ने मेरे ऊपर पूरे पूरे एफर्ट्स लगाए मैंने अपनी तैयारी पूरी अच्छे से की और दो महीने के अंदर मैंने अपनी क्लास में टॉप करके दिखाई टेंथ क्लास तक मेरी पूरी की पूरी जो एडुकेशन थी वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुई टेंथ क्लास में अब आप, आपके हर साल अच्छे अच्छे नंबर ठीक ठाक नंबर बनते रहते हैं और आप एक नॉर्मल स्कूल में हो वहाँ पे आप लोगों को जब दिखता है कि हाँ ठीक है आप हमेशा टॉप थर्ड में रहते हो तो आपको लगता है कि आप तो दुनिया का कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो ऊपर से क्लास टेंथ में टेंथ सी आ गया तो आपको लगता है कि अरे कोई एग्जाम मैं मैं ना कर पाऊंगी ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्लास इलेवंथ में डिसीजन लेने का टाइम आया कि मैं मेडिकल में जाऊंगी या फिर नॉन मेडिकल में तो वहाँ पे मेरी पापा से डिस्कशन चल रही थी आज मुझे मुझे याद है हम एक बेड पे बैठे हुए थे मैं जिस गाँव मैं जिस शहर से हूँ वो भी एक छोटा सा शहर है जींद शहर है हरियाणा का सो so, हम बेड पे बैठे हुए थे हम डिस्कस कर रहे थे कि आगे मेडिकल की पढ़ाई करनी है या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है तो पापा ने बोला कि बेटा देख मेडिकल लेगी हम छोटे परिवार से हैं मिडिल क्लास परिवार से हैं वो तो जो बच्चे बहुत पहले से तैयार करते हैं या बहुत इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं ना वो बनते हैं डॉक्टर अपने घर के बच्चे डॉक्टर नहीं बनते आ, मैंने कहा ठीक हाँ, है पापा ने बोला देख ले बेटा फिर भी अगर तेरे को लेना है तो ले लेकिन ले कहीं मेरी तरह तेरे को बी ना करनी पड़े

तो मैंने कहा ठीक है मैं कर सकती हूँ वैसे भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर दिमाग में था कि मुझे अपने नाम के सामने डॉक्टर लगवाना है और मुझे एक मौका अब दिया जा रहा था तो पापा ने कहा ठीक है एक काम करते हैं तेरे कुछ टीचर्स के पास जाते हैं वहां पे जाके पूछते हैं काफी सारे टीचर्स ने बोला कि नहीं आ, ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं है ना उधर की बचेगी ना उधर की बचेगी जितने भी लोगों को स्कूल में पता चला कि अच्छा एक लड़की इंजीनियरिंग से क्लास ऑलमोस्ट खत्म हो गई अब मेडिकल में शिफ्ट कर रही है सभी लोगों ने बोला कितना घटिया डिसीजन ये लोग ले रहे हैं कहीं की नहीं बचेगी देख लेना इसका एडमिशन नहीं होगा लेकिन एक सर ने एक लाइन बोली वो लाइन आज तक मेरे साथ है उन्होंने बोला कि या तो डिसीजन लेना मत और डिसीजन ले लिया तो पलट के देखना मत अब मैंने डिसीजन ले लिया था कि मुझे मेडिकल की पढ़ाई करनी है मेरी क्लास इलेवेंथ में जितने भी बैचमेट्स थे सभी बैचमेट्स ऑलमोस्ट सभी बैचमेट्स पूरी बायो कंप्लीट कर चुके हैं क्लास इलेवेंथ की मुझे वहां पे कुछ भी नहीं आता है लिटरली मुझे कुछ नहीं आता अब मुझे ये भी नहीं पता कि कौन सी बुक मुझे पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी मेरे पास जस्ट कुछ महीने बचे हैं क्लास इलेवन जैसे तैसे करके मैंने वहाँ पर पास की क्लास uh, ट्वेल्थ uh, में भी उतना मोटिवेशन कहाँ होता है एक एवरेज बच्चा जो होता है उसमें उतना मोटिवेशन नहीं होता तो थोड़ी बहुत जैसे तैसे करके मैंने अपनी क्लास ट्वेल्थ पास करी नाइन्टी परसेंट मेरे बूथ में आए एंड साथ में मैंने अपना नीट का एग्जाम दिया एंड आई स्कोर टू नाइनटी वन मार्क्स आउट ऑफ सेवन ट्वेंटी तो जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे जो नीट एग्जाम होता है वो uh, हर साल कंडक्ट किया जाता है एम बी बी एस गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सो so, uh, मैंने एग्जाम दिया मेरे टू नाइन्टी वन मार्क्स बने जो uh, नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको पता भी होगा कि बहुत बेकार स्कोर है तो अब आम, सब जितने भी लोग जिन्होंने बोला था कि गलत डिसीजन ले रही है पागल थे किसी दोस्त तक से बात नहीं कर रही थी अब मैंने पापा को बोला कि मुझे तो अपने नाम के सामने डॉक्टर लगवाना है मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो हमारे पास इतना पैसा तो नहीं था कि मुझे किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिलवा दे पापा और वहां से मैं एमबीबीएस अपनी करूँ

तो चला गया अब मेरे पास उसका तो कंट्रोल है नहीं मैंने पूरे साल उतनी मेहनत नहीं की लेकिन कर सकती हूँ तो अब क्या करो अब अपने पास अपना पूरा जी जान लगा दो यार मंजिल मिले ना मिले ये तो अलग बात है पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है मैंने कोशिश करके देखी सुबह दो बजे उठ के पढ़ना स्टार्ट करा चल चल के पढ़ती थी चल चल के पढ़ती थी एग्जाम का दिन आया अब मैं थोड़ा सा पैनिक हो जाती हूँ तो मेरी मम्मा ने एग्जाम हॉल में घुसते घुसते मुझे एक लाइन बोली कि बेटा याद रखना अगर तुझे नहीं आता तो किसी को नहीं आता वो लाइन ने मुझे शायद मुझे तो लगता है मुझे एडमिशन दिलवा दिया मैं गई मुझे पहला जैसे ही मैंने पहला क्वेश्चन देखा आई डोंट नो क्यों मुझे पहला ही क्वेश्चन नहीं आता था वहीं पे मेरे हाथ कांप गए मैंने अपना पेन ऐसे टेबल पे रखा एंड आई वाज लाइक रक्षिता तेरा गया एक साल फिर से लेकिन वही बात याद याद आई बेटा रखना अगर तुझे नहीं आता तो किसी को नहीं आता मैंने वापस से से अपनी स्ट्रेंथ की तो एग्जाम जो है वो लास्ट से स्टार्ट किया और अब मुझसे पेपर सॉल्व होना स्टार्ट हो गया पेपर खत्म होते 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 मुझे इतना आइडिया आ गया था कि अब की बार तो सिलेक्शन मेरा हो जाएगा मेरा एडमिशन हो गया गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला ए के थ्रू मेरा जो एडमिशन हुआ वो वेस्ट बंगाल के कॉलेज में हुआ अब जब मैं वहाँ पर गई तो लैंग्वेज डिफरेंस थोड़ा सा है वहाँ पे लोग बंगाली बोलते हैं और मैं हरियाणा से तो मैं थोड़ा सा हिंदी स्पीकिंग ज्यादा हूँ तो आ, दोस्त मुझसे उतने नहीं बन पाए मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट भी हूँ अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ अब मेरे पास दो ऑप्शन थे या तो मैं जैसे नॉर्मल जितनी भी यूथ अपनी है वो इंस्टाग्राम पे जितना भी यूट्यूब है उस पर कंज्यूमर बन जाती है या तो मैं कंज्यूमर बन जाऊँ दूसरा मैं कॉन्टेंट क्रिएटर बन जाऊँ तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है एक काम करते हैं मैं कंज्यूम नहीं करूंगी मैं खुद से कुछ करके देखती हूँ खुद से थोड़ा सा सेल्फ इंडिपेंडेंट बनकर देखती हूँ कॉन्फिडेंस अच्छा ही आ जाए शायद खुद को ही अच्छा लगना स्टार्ट हो जाए मैंने अपने पेरेंट्स को बचपन से देखा था कि वो हर साल उनका मतलब ऐसे फिक्स था कि जो गरीब बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में उनकी पांच बच्चों की पांच छह बच्चों की हर साल फीस भरते थे तो मैंने सोचा कि पापा सिर्फ पांच छह बच्चों की भर पाते हैं मैं ऐसा क्या करूं कि मैं एक बहुत बड़े नंबर को एक साथ में इम्पैक्ट कर पाऊं तो आ, सोशल मीडिया का जमाना है यूट्यूब ही मुझे एक तरीका लगा कि मैं यूट्यूब के जरिए इतनी बड़ी ऑडियंस को एक साथ एड्रेस कर सकती हूँ मैं अपने घर में पहली डॉक्टर बनूंगी तो आ, मुझे इससे पहले कभी गाइडेंस नहीं मिली मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है कैसे प्रिपेयर करना है जब मैंने चीजों को खराब कर दिया था तो क्या करो तो मैंने इसीलिए सोचा कि ठीक है आ, बहुत सारे मेरे जैसे इंडिया के अंदर बच्चे होंगे जिनको समझ नहीं आता होगा कि कैसे हमें करना है कैसे नहीं करना है मैंने पहली वीडियो अपनी डाली मुझे क्या आता था मुझे बस यही आता था कि नीट एग्जाम कैसे क्लियर करना है तो पहली वीडियो डाली कि मैंने अपना अपना एग्जाम ऐसे क्लियर किया था अब जैसे ही पहली वीडियो डाली तो अब मैं फर्स्ट ईयर में और कॉलेज में एमबीबीएस में थोड़ा सा सीनियर जूनियर का रिलेशनशिप थोड़ा सा टाइट रहता है तो जैसे ही वीडियो डाली अब वो वीडियो फैल गई पूरे कॉलेज में अच्छा YouTube पे आके ज्ञान दोगी सही है अब मेरे पास आ, आ, उस पे अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो 200 नेगेटिव कमेंट मतलब आप सोच के देखो आपने कुछ करना चाहा आपने YouTube की पहली वीडियो डाली और उसके नीचे 200 सौ डेढ़ सौ दो सौ नेगेटिव कमेंट भरे हुए मैं उस टाइम पे घर पे थी छुट्टियां हमारी हुई हुई थी तब मैंने वो वीडियो डाली थी और उधर कॉलेज में, में मेरी बात फैल चुकी थी अब मैं वहां पे रोना स्टार्ट मैंने पापा को पहले नहीं बताया था कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रही हूँ तो पापा ने बोला कि बेटा ये क्या है फिर अब जब गलती कर दी तो मैंने आपको बोला कि मतलब अगर आ, लास्ट में कुछ भी कोई भी होगा तो सिर्फ पेरेंट्स आपके साथ खड़े होंगे उसके अलावा कोई नहीं होगा मैंने कहा पापा मुझे ना ये ये करना था ये ये मेरा विजन है एक वीडियो मैंने डाल के देखा था कि कैसा होता है फिर मैं आपको बता देती तो पापा ने कहा बेटा ठीक है तू खुद ही बोलती है कि या तो डिसीजन लेना नहीं और डिसीजन ले लिया तो मुड़ के देखना नहीं आ, कुछ लोग मुझे उस टाइम पे इनिशियली जब मैं चल रही होती थी तो मेरे बैचमेट्स बोलते ओ हो यूट्यूबर आ रही है कुछ सीनियर्स बोलते हैं कि अरे इसका चैनल तो बहुत बेकार है कभी जिंदगी में चलेगा ही नहीं कुछ मुझे बोलते और बता तेरा धंधा कैसा चल रहा है बहुत लोगों ने आ, नीचे खींचने की कोशिश करी लेकिन आ, मैं मेरे अंदर बस एक लाइन ही आज तक वही वही रिपीट होती है कि डिसीजन ले लिया तो अब मुड़ के देखना नहीं हॉस्टल के रूम्स में मैं वीडियो अपनी बनाती थी तीन लोग एक ही रूम में रहते थे अब क्या होता था कि वहां पे जब वो दोनों मेरी फॉर एग्जांपल संडे को कहीं बाहर चले गई पूरे हफ्ते में अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट लिख लेती आइडिया लिख लेती कि अगले हफ्ते मुझे ये डालना है और जैसे ही मेरी रूममेट्स बाहर मान लो दो घंटे किसी मूवी देखने चले गए या फिर खाना खाना खाने चले गए तो उस टाइम क्या करती अच्छा यार तुम लोग बाहर जा रहे हो वो मुझसे पूछते भी चलेगी अब कुछ पाने के लिए कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तो मैंने कहा नहीं यार तुम लोग जाओ मैं इधर रह के कुछ वीडियो बनाऊंगी तो मैं वहीं पे रह के और मैंने अपना वहां पे वीडियो बनाया कर दी थी जैसे ही वो लोग जाते तो वहां पे और दोस्तों से थोड़ा सा गैप बनना स्टार्ट हो गया क्योंकि जब वो एंजॉय कर रहे हैं तो उस टाइम पे मैं काम कर रही हूँ बट आज मुझे लगता है इट वॉज वर्थ इट मैंने और वीडियोज डालनी स्टार्ट करी और वीडियोज डालनी स्टार्ट करी आप जैसे ही लोगों से मुझे धीरे धीरे प्यार मिलना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे चैनल जो है वो मेरा ग्रो होता गया होता गया अब आ, मैंने जुलाई 2020 के अंदर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ाना स्टार्ट किया और पहले ही महीने में मैं टॉप टेन एडुकेटर्स में वहां पर थी सो so, मुझे मतलब पेरेंट्स को भी काफी प्राउड फील हो रहा था अब मैंने जब वहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैंने पापा को बोला कि इस महीने ना पता है मैं अप्रॉक्सीमेटली एक लाख प्लस कमा लूँगी मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जो कॉलेज में है फर्स्ट ईयर में है और वो अपने पेरेंट्स को आके बोल रहा है एक लाख प्लस कमा लूंगी एक ही महीने में पापा कहते क्या तू एक लाख प्लस कमा लेगी मेरे भाई को बात सुन गई दूसरे कमरे से वो भाग आया कहती पागल है क्या तेरी शक्ल है तू पूरी है एक लाख की मैंने कहा देख लेना मेरी जब सैलरी आई तो वो थी एक लाख वन समथिंग सो so, तब माय होल फैमिली वर्क शॉक की इसने तो कर दिया और आज भी मैं अपने टारगेट सकती हूँ कि इस महीने ये कर लूंगी मेरे पेरेंट्स हमेशा से नहीं अरे दर से नहीं होना कुछ और हर महीने मैं उस चीज़ को प्रूव करके भी दिखाती हूँ आगे धीरे धीरे मैंने काम करती गई काम करती गई अब काफी लोग ये भी पूछते हैं कि एम के साथ में पढ़ाना और साथ में यूट्यूब चैनल मैनेज करना इंस्टाग्राम को भी मैनेज करना तो थोड़ा टफ हो जाता है लेकिन जब सपने होते हैं ना कुछ करने के तो चीज़ें होती जाती हैं ऐसा नहीं है कि जर्नी आगे बिल्कुल स्मूथ चलेगी एक बार जब मैंने वहाँ पे कमाना स्टार्ट कर दिया तो ऐसा नहीं होगा वो हर महीने आएगा बहुत डाउनफॉल आएगा बिल्कुल कई बार ऐसे होगा बहुत बार ऐसी सिचुएशन मेरे पास आई कि मुझे ऐसा लगा कि बस अब मुझसे नहीं हो पाएगा पापा मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ मैं इस यूट्यूब को ना यूँ का यूँ प्राइवेट कर दूँगी सारी वीडियोज में हटा दूंगी मुझसे नहीं हो पाएगा मैं बनी ही नहीं उस चीज़ के लिए लेकिन उसी टाइम पर आपको डटे रहना है टाइम की एक बहुत अच्छी बात होती है कि वो बीत जाता है तो बुरा टाइम भी है ना यार तो वो बीत जाएगा उसकी आप लोग अर्न करती रहती मेरे पापा जो एक नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में है उनसे मैं अप्रोक्सीमेटली नौ दस गुना ज्यादा अर्न कर रही हूँ इसी महीने मैं इक्कीस साल की हूँ सो इसके लिए मैंने बहुत चीजें जो है वो सेक्रीफाइस भी की हैं आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो आपके आ, कोई भी आपके आ, ड्रीम्स हैं कुछ भी आपको अचीव करना है अगर आपका दिमाग एक परसेंट भी बोल रहा है ना कि हाँ मैं कर सकती हूं तो ट्रस्ट मी आप कर सकते हो और आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा एक दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको रोक पाएगी एक बार बैठ के सोचो कि मुझे क्या अच्छा लगता है क्या मैं कर सकती हूँ क्या मुझे करना है ऐसा नहीं हो कि आधे लोग क्या करेंगे कि नहीं मुझे तो ये करना है तो मैं ये अपना मेन जॉब छोड़ के यही करना स्टार्ट करूंगा कैलकुलेटेड रिस्क लेना लाइफ में मैं अभी भी अपनी एमबीबीएस कर रही हूँ

तो इंट्रोडक्शन में क्या बोलते हैं मुझे ये नहीं पता था तो मैं चुप हो गई तो उन्होंने मेरा सी लिया और मेरे हाथ भी रख दिया <laughs> बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें तो बोलना ही नहीं आता मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे मुँह पर तमाचा दिया हो और मैं कुछ समझ भी नहीं आ रहा था उससे कुछ बोल भी नहीं सकती थी तो फिर मैंने सी लिया और लौट के चली आई फिर उसके बाद तो फिर मैंने इंटरव्यू ही नहीं दिए इंग्लिश लगता तो था जरूरी है कोशिश भी की सीखूंगी सीखूंगी ट्राई भी किया एक दो बार किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया तो फिर प्रॉब्लम क्या होती थी इंस्टीट्यूट में जाना होता है फिर इतना टाइम भी होता था कि पढ़ना भी होता था और जॉब्स भी करनी होती थी सब कह देते हैं इंग्लिश सीखने के लिए इन्वायरमेंट चाहिए माहौल चाहिए होता है लोगों से बात करोगे तभी आएगी अब बात करने के लिए भी तो वो लोग होने चाहिए जो आपसे बात करना चाहें मैं जो स्टॉक्स की वीडियोस देखती थी मोटिवेशन के लिए तो लास्ट में एक एडवर्टाइजमेंट था तो वहाँ पे बोला था कि हमारे एक ऐप है जो स्किल का तो आप उसे डाउनलोड करिए तो मैंने सब्सक्रिप्शन कर लिया और लेकिन सब्सक्रिप्शन की अमाउंट भी इतनी नॉमिनल थी कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतने कम दाम में इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है सबसे अच्छा जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो था प्रैक्टिस का जो मुझे चाहिए था एक्चुअल में जो मैं ढूंढ रही थी इतने टाइम से तो अब ऐसा है कि मैं इतना इबल हूँ कि हाँ ठीक है मैं बात कर सकती हूँ इंटरव्यूज फेस कर सकती हूँ नाउ आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश थैंक यू जोश जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर और हां अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ स्पॉटिफाई पर